चलिए आज हम लोग सीखेंगे फ्रिज के बारे में पूरा फाइनल कंप्लीट जानकारी, यानी फ्रिज में गैस चार्ज कैसे करते हैं, फ्रिज के पाइप के अंदर से कचड़े को कैसे निकालते हैं, फ्रिज में लीकेज कैसे चेक करते हैं, फ्रिज के अंदर की नमी को बाहर कैसे निकालते हैं, यानी फ्रिज के अंदर जो कुछ होता है, यानी फ्रिज में गैस भरना यानी गैस चार्ज करने से पहले जितनी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं सभी को समझेंगे और गैस चार्ज करने को भी समझेंगे और पूरे सिस्टम को समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन फ्रिज पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ये फ्रिज ही नहीं, एसी, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, हर वो मशीन जो ठंडा करती है सबका सिस्टम सेम होता है और सब कुछ इसी में कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल कंप्लीट वीडियो देखिएगा इसको, बस थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले आपको बात करते हैं, यहां पर देखिए ये हमारे जो सिस्टम बना है ना, ये फ्रिज के संपूर्ण मैकेनिकल भागों का सिस्टम है। अब बताएं आपको, फ्रिज दो सिस्टमों से मिलकर कार्य करता है जिसमें पहला सिस्टम होता है मैकेनिकल सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। पहला है मैकेनिकल सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब समझिए मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है कि फ्रिज के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है, जिसमें गैस घूमती है, उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं, और जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, जिसमें वायरिंग किया जाता है, जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस की आवश्यकता पड़ती है, उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग सीखेंगे मैकेनिकल भागों के बारे में पूरा फाइनल कंप्लीट कि फ्रिज में गैस कैसे भरते हैं। मैकेनिकल भागों में शॉर्ट में आपको जल्दी में बता देते हैं कि हमारा एक कंप्रेसर, यह कंडेंसर, ये फिल्टर, ये कैपिलरी ट्यूब और ये है एवापोरेटर। यानी फ्रिज में या एसी में या वाटर कूलर में या डीप फ्रीजर में टोटल 5 मैकेनिकल भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग है कंप्रेसर, दूसरा है कंडेंसर, तीसरा है फिल्टर, चौथा है कैपिलरी ट्यूब और पांचवा है एवापोरेटर। देखिए पहला भाग ये हमारा कंप्रेसर मोटर, इसका कार्य होता है गैस को एक साइड से खींचता है, दूसरी साइड से फेंकता है, यानी इसमें गैस को ये सक्शन लाइन, इसमें जो पाइप होती है ना उसका नाम होता है सक्शन लाइन, तो ये गैस को सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर करता है। अब देखिए डिस्चार्ज लाइन से जब गैस निकल कर जाती है तो जाती है कंडेंसर में, और फ्रिज में प्रयोग होने वाला कंडेंसर वायर मेस कंडेंसर होता है। ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर का कार्य होता है गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में, यानी कि भाप को पानी बनाना होता है। कंडेंसर गैस को वेपर से द्रव में बदल देता है, उसके बाद गैस जाती है फिल्टर में। फिल्टर क्या करता है, गैस को छानकर शुद्ध कर देता है, उसके बाद गैस जाती है कैपिलरी ट्यूब में, और कैपिलरी ट्यूब क्या करती है, उसके प्रेशर को कंट्रोल करती है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में परिवर्तित करती है, और कैपिलरी ट्यूब के बाद गैस जाती है एवापोरेटर में, और एवापोरेटर करता है कि किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को अपनी तरफ खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का यानी ठंडक का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। यह एवापोरेटर फ्रिज का दरवाजा खोलने के बाद जो सबसे ऊपर लगता है ना, जिसमें बर्फ वगैरह जमाने के लिए रखते हैं ना, वो जो इसको हम फ्रीजर के नाम से भी जानते हैं वही होता है हमारा एवापोरेटर, और एवापोरेटर के बाद फिर से वही गैस आती है सक्शन लाइन में। थोड़ा सा यहां पे समझिए, ये जो कंडेंसर है ये गैस को वेपर से द्रव यानी भाप को पानी बनाता है, और ये जो एवापोरेटर है ये उसी पानी को फिर से भाप बना देता है, और फिर यहां से भाप के रूप में गैस आती है, ये भाप को पानी बना देता है, पानी जाता है तो ये पानी को भाप बना देता है, ये क्रिया बार बार होती रहती है। ये तो हमारा सिस्टम था, लेकिन फ्रिज में गैस चार्ज करते हैं, जब हम गैस भरते हैं तो टोटल 5 प्रक्रियाएं अपनाते हैं, जिसमें सबसे पहली प्रक्रिया हमारी ये होती है फ्लैक्सिंग करना। सबसे पहली प्रक्रिया हमारी है फ्लैक्सिंग करना। फ्लैक्सिंग करने का मतलब समझिए, फ्लैक्सिंग करने का मतलब ये होता है सिस्टम की पाइप के अंदर के कचड़े को बाहर निकालना। ये समझिए, ये जो सिस्टम की पाइप है ना, जैसे फ्रिज का डिस्चार्ज लाइन, ये पाइप है ना, पाइप में गैस घूम रही है ना, ये पूरा कंडेंसर एक पाइप है ना, पाइप के अंदर कहीं पे कोई कचड़ा जम जाए और वो कचड़ा जम जाए और पाइप में गैस का बहाव रुक जाए, पाइप जाम हो जाए तो गैस वहां से आगे नहीं जा पाएगी ना, तो गैस का बहाव रुक जाएगा, जिसे हम कहते हैं चोक हो जाएगा। तो सिस्टम की पाइप के अंदर के कचड़े को हमें बाहर निकालना है। देखिए सिस्टम की पाइप के अंदर के कचरा ऐसा नहीं कि नहीं केवल कंडेंसर में ही हो सकता है, फिल्टर में भी ज्यादा हो सकता है, कैपिलरी ट्यूब का व्यास बहुत कम होता है इसमें भी हो सकता है, एवापोरेटर में भी हो सकता है, तो कहीं पे अगर कोई कचरा जमा हो जाए जिसके कारण गैस का बहाव रुक जाए, उसे हम चोक कहते हैं, उसी को साफ करने की हमारी पहली प्रक्रिया फ्लैक्सिंग करना।
समझिए फ्लेक्सिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर के आउटपुट में सर्वप्रथम जो हमारी फ्रिज है उसके आउटपुट, आउटपुट का मतलब समझते हैं ना, कंडेंसर में जहां से गैस निकलती है उसे आउटपुट कहते हैं। तो कंडेंसर के आउटपुट में लगे फिल्टर को, ये हमारा फिल्टर था ना, इसको काट कर या वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग कर देंगे। देखिए फिल्टर को काट कर या गर्म करके अलग करने से पहले हमें इसके अंदर चार्जिंग पाइप को खोल करके और इसके अंदर की गैस को उड़ा देना होगा। गैस को उड़ाने के बाद ही हम इसको वेल्डिंग गन से गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम काट कर या वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग कर देंगे। उसके बाद ये हमारा कंप्रेसर मोटर है, इसको हम ऑन करेंगे यानी कि चालू करेंगे। जब हमारा कंप्रेसर मोटर चालू हो जाए ना, बस कंडेंसर का आउटपुट की ये पाइप है ना, इसकी पाइप को हमें हाथ के अंगूठे से दबाना होगा। ये समझिए, देखिए हमने अंगूठे का चित्र बनाया, इसकी पाइप को हाथ के अंगूठे से ऐसे दबाना है और इसे तब तक दबाए रखना है ऐसे ही जब तक इस कंडेंसर में पूरी तरह से प्रेशर ना भर जाए, जब तक इस कंडेंसर में पूरी तरह से प्रेशर ना भर जाए। समझिए, जब इस कंडेंसर में पूरी तरह से प्रेशर भर जाएगा ना, हाथ के अंगूठे को झटके से हटाते हैं जिससे प्रेशर के साथ कंडेंसर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाता है, पूरा कंडेंसर के अंदर का कचरा बाहर निकल जाता है। और यह क्रिया कब तक करते हैं जानते हैं, जब तक कंडेंसर से कचरा आना बंद ना हो जाए, यानी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा तक का इसमें समय लग सकता है फ्लेक्सिंग करते समय। देखिए कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करते समय यानी कि कंप्रेसर चलता रहेगा, ऐसे हाथ के अंगूठे से दबाएंगे झटके से छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे झटके से छोड़ेंगे, कंडेंसर का धीरे धीरे कचरा भी बाहर निकल जाएगा। तो कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करते समय कंडेंसर की पाइपों को वेल्डिंग गन के माध्यम से हल्का हल्का गर्म भी कर सकते हैं। गर्म करने से क्या होगा, इस पाइप के अंदर अगर कहीं पर कोई नमी या कुछ जमा होगा वो आसानी से बाहर निकल जाएगा, वो नमी जो है वो आसानी से बाहर निकल जाएगी, जल्दी से पिघल के आगे बढ़ जाएगी और हम यहां पे फ्लेक्सिंग करते रहेंगे, जल्दी से बाहर निकल जाएगी। तो देखिए जब हमारा कंडेंसर इस प्रकार से पूरी तरह से साफ हो जाए ना, तो फिर हम क्या करते हैं, यहां पर हम अपना नया फिल्टर सिस्टम, एक नया फिल्टर लगाते हैं। देखिए फिल्टर को चेंज कर देते हैं, फिल्टर को बदल देते हैं। बदलने का कारण समझिए, फिल्टर को हर बार जितनी बार भी फ्लेक्सिंग करेंगे, जितनी बार भी गैस चार्ज करने जाते हैं ना, हर बार फिल्टर को बदल देते हैं। कारण क्या है कि फिल्टर में अब तक जो भी कचरा वगैरह होता है ना, सब फिल्टर छानता है ना, तो इसलिए फिल्टर के पास सारे कचरे रुके रहते हैं और हम फिल्टर को ही बदल देते हैं, सारा कचरा खत्म हो जाता है। इसका रेट भी सस्ता है, 15 रुपया 25 रुपया 30 रुपया तक के ये फिल्टर आ जाते हैं। तो आसानी से हम फिल्टर को आसानी से चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। उसके बाद देखिए जब हमारे कंडेंसर पूरी तरह से साफ हो गया ना, उसके बाद हम साफ करते हैं। देखिए कंडेंसर साफ हो गया, फिल्टर को हमने चेंज कर दिया, बदल दिया, कैपिलरी ट्यूब में चोक नहीं होता, अगर होगा जरा सा भी होगा तो इसको भी चेंज करना होगा, बदलना होगा, तो बिल्कुल भी गैस को आगे नहीं जाने देगी ना, ये फ्लेक्सिंग करने से साफ होने वाली नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इस एवापोरेटर को साफ करना। एवापोरेटर क्या होता है जानते हैं ना, फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे सबसे ऊपर वाला जो खाना होता है उसे एवापोरेटर कहते हैं। तो अभी से एवापोरेटर के पाइप के अंदर के कचड़े को हमें बाहर निकालना है। इसका तरीका समझिए, एवापोरेटर के पाइप के अंदर के कचड़े को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले एवापोरेटर के आउटपुट, ये एवापोरेटर का आउटपुट है ना, एवापोरेटर के आउटपुट यानी कि कंप्रेसर के सक्शन लाइन की पाइप को यहां से काट कर अलग कर देंगे, वेल्डिंग गन से गर्म करके भी अलग कर सकते हैं। जब काट के इसको अलग कर देंगे उसके बाद कंप्रेसर के, ये देखिए उसके बाद कंप्रेसर को ऑन करेंगे यानी कि चालू करेंगे, और ये जो कंडेंसर के ये जो एवापोरेटर के आउटपुट की पाइप है, इस पाइप को हाथ के अंगूठे से इसको हम दबाएंगे, और फिर वही क्रिया है कि इसको हम तब तक दबाए रखेंगे जब तक एवापोरेटर से कचरा आना बंद ना हो जाए, यानी जब तक एवापोरेटर में पूरा प्रेशर ना भर जाए। जब इसमें पूरा प्रेशर भर जाएगा, हाथ के अंगूठे को झटके से हटाएंगे जिससे प्रेशर के साथ एवापोरेटर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा, और यह क्रिया हम तब तक करेंगे जब तक एवापोरेटर से कचरा आना बंद ना हो जाए। जब एवापोरेटर से कचरा आना बंद हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पाइप को पुनः जोड़ देंगे। देखिए एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करने के करते समय जब हम एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करते हैं तो एवापोरेटर की पाइपों को भी वेल्डिंग गन के माध्यम से हल्का हल्का गर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो एवापोरेटर की पाइपों को भी वेल्डिंग गन से हल्का हल्का गर्म करते रहेंगे।
उसके बाद देखिए अब हमारा कंडेंसर साफ हो गया, फिल्टर को चेंज किया हमने, कैपिलरी में चोक था नहीं और एवापोरेटर को भी हमने साफ कर लिया। और कंप्रेसर में तो कभी चोक होता नहीं, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके पास खुद की पावर होती है ना, खुद की ताकत होती है, खुद की शक्ति होती है, इतना शक्ति होती है कि अगर इसके अंदर कचरा आए तो वो वहां से निकाल करके कंडेंसर तक भेज देगा, अपने अंदर रुकने नहीं देगा। तो ये होता है हमारा, ये पूरे सिस्टम की पाइपों के अंदर के, देखिए जब हम गैस चार्ज करते हैं तो सबसे पहले उसकी पाइपों के अंदर के कचरे को साफ करते हैं। जब हमारा कचरा साफ हो जाए, अब देखिए हमारी दूसरी जो प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रिया का नाम होता है हमारे प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर चढ़ाने का मतलब समझिए क्या होता है, प्रेशर चढ़ाने का मतलब होता है लीकेज चेक करना। यानी कि देखिए जब हमारी ये फ्रिज है ना, फ्रिज का ये सिस्टम है, तो अभी हमने फ्लेक्सिंग करने के लिए पाइप को यहां से भी काटा था और फिल्टर को चेंज किया और सक्शन लाइन से भी काट करके हमने फ्लेक्सिंग किया, यानी पाइप को दो जगह से काटा। अब दो जगह से हमने पाइप को तो काट दिया और काटने के बाद दोबारा फिर से वेल्डिंग करके जोड़ दिया। अब हमने जोड़ तो दिया लेकिन इसमें लीकेज होने के चांस बढ़ जाते हैं कि हो सकता है कि इसमें कहीं लीक हो, वो दिखाई नहीं देगा लीक, बहुत छोटा लीक भी हो सकता है ना, क्योंकि गैस की बात है ना, जरा सा भी लीक होगा तो पूरी की पूरी गैस उड़ जाएगी, पूरी की पूरी गैस निकल जाएगी। तो इसमें हमें लीकेज चेक करना, और लीकेज चेक करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा तरीका हमारा प्रेशर चढ़ाएंगे। और प्रेशर चढ़ाने के लिए देखिए हमें एक और कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो हमारा दूसरा कंप्रेसर होगा ना, इस कंप्रेसर का नाम होता है वर्कशॉप कंप्रेसर। इस कंप्रेसर का नाम होता है वर्कशॉप कंप्रेसर। ये कंप्रेसर क्या होता है, देखिए नॉर्मल किसी फ्रिज से निकाला हुआ कंप्रेसर वर्कशॉप कंप्रेसर होता है। और वर्कशॉप कंप्रेसर कैसे होता है, देखिए ये कंप्रेसर भी नॉर्मल होता है, इसमें भी वैसे ही तीन लाइनें होती हैं, इसमें भी सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन होता है। देखिए यहां पे हमने डिस्चार्ज लाइन लिख दिया, यहां पर लिख देते हैं सक्शन लाइन और यहां पर लिख देते हैं चार्जिंग लाइन। तो इसमें ये डिस्चार्ज लाइन हमने बना दिया, एक सक्शन लाइन और एक चार्जिंग लाइन। ये सक्शन लाइन देखिए, इसमें चार्जिंग लाइन जो है वो बंद रहेगी, एकदम पूरी तरह से लॉक रहेगी। अब हम इस कंप्रेसर को अगर हम ऑन करते हैं ना, तो इसके बारे में समझिए, ये चलेगा, गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा। हमें करना क्या है, इसमें हमें प्रेशर भरना है। प्रेशर भर करके हम इसके अंदर का लीकेज चेक करेंगे। जैसे साइकिल या बाइक या कोई भी गाड़ी जब पंचर हो जाती है, जब उसके ट्यूब में लीक हो जाता है, हम क्या करते हैं, उसमें हवा भरते हैं। जब हवा पूरी तरह से भर जाती है तो उसमें पानी वगैरह में डाल करके उसको चेक करते हैं, जहां बुलबुले निकलते हैं समझिए वहां से लीकेज है। तो उसी तरह से हम इसको भी चेक करते हैं। इसमें चेक करने का तरीका क्या, देखिए इसके लिए हमें एक गेज की आवश्यकता पड़ेगी, एक गेज लगाएंगे। ये जो हमारा गेज होगा ना, ये जो हमारा गेज होगा, तो प्रेशर चढ़ाते समय हमें प्रेशर गेज की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन, ये जो हमारा डिस्चार्ज लाइन है ना, इसको मिटा देते हैं, ये जो हमारा डिस्चार्ज लाइन है, तो डिस्चार्ज लाइन में हम क्या करेंगे, एक चार्जिंग पाइप जोड़ देंगे। ये जो चार्जिंग पाइप जोड़े ना, ये रबड़ की चार्जिंग पाइप होती है। ये देखिए हमारा गेज है, ये गेज में एक साइड में इसमें हैंडल बना होता है, दो साइड में ऐसे चूड़ियां बनी होती है, बस चूड़ियों पे ऐसे नट लगा होता है, बस नट को टाइट करना होता है, आसान तरीके से लग जाता है। और ये गेज का दूसरा सिरा देखिए, ये जो हमारा फ्रिज का कंप्रेसर है ना, फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में एक सर्विस वाल्व लगाते हैं। फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में एक सर्विस वाल्व लगाते हैं। इस वाल्व का नाम होता है सर्विस वाल्व। इसमें भी दोनों तरफ चूड़ियां बनी होती हैं, दोनों का व्यास बराबर ही होता है, इधर का भी जितना मोटा होता है उधर का भी उतना ही मोटा होता है। तो यह आसानी से लग जाता है, इसमें ये अपना फ्लेयरिंग नट लगा करके और इसको जोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए एक पाइप और इसमें लगाते हैं जो यहां से सर्विस वाल्व तक लगा देते हैं, एक पाइप और लगाते हैं जो यहां से सर्विस वाल्व तक लगा देते हैं। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, दिख रहा है, यहां से सर्विस वाल्व तक हमने यहां पे दूसरी पाइप लगा दिया। इसमें टोटल दो चार्जिंग पाइप लगी हुई है और ये हमारा एक गेज है, जिस गेज का नाम होता है हमारे प्रेशर गेज। इसमें प्रेशर गेज लगाए। अब समझिए करना क्या है, ये जो फ्रिज का कंप्रेसर है ना, ये बंद रहेगा, ये ऑफ रहेगा। जब फ्रिज का कंप्रेसर बंद रहेगा और ये वर्कशॉप कंप्रेसर हमारा है ना, इसको हम ऑन करेंगे, मतलब चालू करेंगे। और जब हम इसको चालू करेंगे जब हम इसको चालू करेंगे, ये गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा। देखिए इसमें जहां भी सक्शन लाइन होगी, ये गैस को सक्शन लाइन से अपने अंदर खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा। और जब डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलेगी तो जाएगी कहां, जाएगी इन पाइपों के माध्यम से गेज तक, और गेज का हैंडल भी ऑन रहेगा यानी चालू रहेगा, जिसके कारण वो गैस निकल करके इन पाइपों के माध्यम से सर्विस वाल्व से होते हुए पूरे सिस्टम की पाइपों में हवा भर जाएगी। जितनी भी पाइप है ना, देखिए पूरे सिस्टम की पाइपों में हवा भर जाएगी। जब इसमें पूरा प्रेशर भर जाएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हवा भर चुकी है, वो समझिए। अब देखिए इसमें क्या, ये जो हमारे पास एक गेज है ना, जिस गेज का नाम है प्रेशर गेज, इसमें ऐसे लिखा होता है 0, 100, 200, 300 ऐसे करके लिखा होता है, या तो 0, 50, 100, 150, 200 ऐसे करके इसमें नंबर लिखा होता है।
तो इसके गेज के अंदर एक सुई होती है जो चलती है। तो ये होता क्या, जब हम इसमें प्रेशर भरते हैं ना, ये सुई धीरे धीरे ऊपर उठती है, और जब हमें प्रेशर भर जाए तो पता कैसे चलेगा, इसके अंदर हम 250 से लेकर के 350 तक प्रेशर भरते हैं, 250 से 350, यानी कि कंप्रेसर को ऑन करेंगे, और जब गेज की सुई 250 से 350 तक पहुंच जाए तो क्या करेंगे, उसके बाद हम गेज के हैंडल को सबसे पहले ऑफ कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे, और गेज का हैंडल हमने बंद कर दिया ना, वर्कशाफ्ट कंप्रेसर को भी ऑफ कर देंगे, यानी बंद कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए सुई तो हमारी 250 से 350 तक रुकी है, गेज के हैंडल को हमने बंद कर दिया, कंप्रेसर को बंद कर दिया, अब हम पाइप को चाहे तो यहां से खोल के निकाल भी लेंगे, तब भी हमारी सुई जो है ना वो जहां पे 250 पे पहुंची है वहीं पे रुकी रहेगी। अब समझिए कि थोड़ी देर तक अब इंतजार करेंगे, थोड़ी देर तक वेट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो गेज की सुई है धीरे धीरे नीचे आ रही है। अगर ये गेज की सुई धीरे धीरे नीचे आ रही है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज है, और लीकेज को क्या करेंगे, हम साबुन या शैंपू का झाग बनाएंगे, और सबसे पहले सभी जोड़ों पर, जोड़ों का मतलब समझते हैं ना, जितने भी जोड़ है, जैसे हमने फिल्टर के यहां जोड़ अभी जोड़ा है, सक्शन लाइन में जोड़ा है, तो जितने भी जोड़ है सभी जोड़ों को हमें साबुन या शैंपू का झाग बनाना है, और जोड़ों पर लगा करके उसको चेक करना है कि लीकेज है या नहीं है। लीकेज तो कहीं ना कहीं है, तो जब हम लीकेज हमें कंफर्म हो जाता है, मिल जाता है ना, उसके बाद हम फिर से गेज के हैंडल को ढीला कर देते हैं और इसके अंदर की पूरी गैस को और इसके अंदर की पूरी गैस को निकाल के उड़ा देते हैं, बाहर कर देते हैं, और जब गैस को उड़ा देंगे ना, ये जो गेज की सुई है ना, ये फिर से जीरो पे आ जाती है और आकर के वहीं रुकी रहती है। गेज का हैंडल ऑन हो चुका है, तो बस जीरो पे आ गई, रुकी रही, वेल्डिंग कर देते हैं, कंप्लीट हो जाता है, फिर से प्रेशर चढ़ा करके चेक कर लेते हैं कि लीकेज सही हुआ या नहीं हुआ। अगर सही नहीं हुआ तो फिर उसे जोड़ते हैं, सही हो गया तो अगली प्रक्रिया अपनाएंगे। अब अगली प्रक्रिया क्या है वो समझिए, अगली प्रक्रिया इसमें है वैक्यूम करना। अगली प्रक्रिया इसकी होती है वैक्यूम करना। वैक्यूम करने का मतलब ये समझिए, सिस्टम के अंदर की नमी को बाहर निकालना। समझिए, अब देखिए, जैसे कि इसमें हमने मान लीजिए 100% हवा भर दिया था, 100% प्रेशर भर दिया था, लेकिन जब हम गेज के हैंडल को खोल दिए तो हमारी इसके अंदर से गैस निकल गई, लेकिन जानते कितना निकलती है, 95% हवा निकल जाती है, लेकिन 5% हवा उसमें रह जाती है। तो 5% हवा उसमें रह जाती है ना, क्यों रह जाती है वो बताते हैं आपको। जैसे देखिए, कोई भी नॉर्मल जगह है जहां पर कुछ नहीं होता है, वहां पे हवा जरूर होती है ना, कोई भी जगह, ए टू जेड, जैसे ये मार्कर है ना, मार्कर के ये जो ढक्कन है इसके अंदर कुछ दिख नहीं रहा है ना, लेकिन इसके अंदर हवा तो है ना, तो कोई भी जगह होती है जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पर हवा जरूर होती है। उसी प्रकार से जब इसके अंदर हम खोल देंगे, गेज को ढीला कर देंगे ना, हवा तो पूरी निकल जाएगी, लेकिन 5% हवा बच जाएगी, और ये 5% बची हुई हवा को भी हमें बाहर निकालना जरूरी है। अगर किसी कारण से आप ये हवा नहीं निकालते हैं और फ्रिज में गैस चार्ज कर देते हैं, तो जो हमारी फ्रियान गैस है, जो हमारी ठंडी गैस है, जब वो पाइप के अंदर जाएगी तो पहले वाली हवा को इतना ठंडा कर देगी कि वो बर्फ का रूप धारण कर लेगी, वो जम जाएगी, और जम जाएगी तो किसी पाइप को जाम कर देगी, और जाम कर देगी तो गैस का बहाव रुक जाएगा, और गैस का बहाव रुक जाएगा तो पूरी फ्रिज हमारी जो है वो ठंडा नहीं करेगी। तो इस प्रकार से यहां से हमें करना है। तो देखिए, अब इसके अंदर की नमी को हमें बाहर निकालना है, वो हमारी क्रिया वैक्यूम करना। वैक्यूम करने के लिए हम करते क्या, सबसे पहले वर्कशाफ्ट कंप्रेसर के जो डिस्चार्ज लाइन में हमारी चार्जिंग पाइप लगी थी ना, बस इस पाइप को खोल देना है, और इस पाइप को खोलने के बाद जोड़ देना है इसको सक्शन लाइन में, इस पाइप को जोड़ देना है इसके सक्शन लाइन में, और सक्शन लाइन में जोड़ने के बाद क्या करेंगे, बस फिर से हम ये अपने वर्कशाफ्ट कंप्रेसर को ऑन करेंगे, यानी कि चालू कर देंगे। एक कंडीशन और, दो काम करना है, पहला काम तो वर्कशाफ्ट कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से पाइप को खोल के सक्शन लाइन में जोड़ देंगे, और दूसरा काम यहां पर जो हम प्रेशर गेज अब तक प्रयोग कर रहे थे, अब जो गेज प्रयोग करेंगे उसका नाम होगा कंपाउंड गेज। अब उसका नाम होगा कंपाउंड गेज। डिफरेंस क्या है ये समझिए, कि जो कंपाउंड गेज है ना, उसमें सुई माइनस में भी जाने के लिए जगह होती है, और जो प्रेशर गेज होता है उसमें सुई सिर्फ प्लस में जा सकती है, लेकिन इसमें सुई माइनस में भी जा सकती है, माइनस में जाने के लिए भी, माइनस में जाने के लिए भी इसमें जगह बनी होती है। ऐसे लिखा होता है जीरो के बाद -10 -20 और -30, और प्लस में भी इसमें 10 20 30 करके लिखा होता है। गेज वैसा ही होता है, पाइप वैसे ही जोड़ने के लिए होता है, हैंडल वैसे ही होता है, बस इसमें सुई जो है माइनस में भी जाने के लिए जगह बनी होती है। तो
वैक्यूम करने के लिए यानी अंदर की हवा को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से चार्जिंग पाइप को खोल करके सक्शन लाइन में जोड़ देंगे बस, और ये प्रेशर गेज के स्थान पे अपना कंपाउंड गेज प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन करेंगे यानी कि चालू करेंगे और सिस्टम का कंप्रेसर बंद रहेगा। जब ये कंप्रेसर चलेगा ना, ये सक्शन लाइन से अंदर की हवा को खींचेगा, अंदर की नमी को खींचेगा, पूरे सिस्टम की हवा को खींचेगा और खींच करके डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से क्या करेगा, बाहर फेंक देगा, बाहर निकाल देगा। और जब यहां से गैस पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी ना, तो गेज के अंदर जो सुई है वो धीरे धीरे माइनस की तरफ जाएगी, और जब इसकी सुई धीरे धीरे माइनस 30 पर पहुंच जाए, जब इसकी सुई माइनस 30 पर पहुंच जाए तो समझिए इसमें वैक्यूम पूरी तरह से हो चुका है, इसके अंदर की पूरी नमी बाहर निकल चुकी है, इसके अंदर की पूरी गैस बाहर निकल चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, गेज के हैंडल को सबसे पहले ऑफ करेंगे यानी बंद कर देंगे और पाइप को यहां से खोल के निकाल लेंगे, बस हो गया वैक्यूम। और वैक्यूम होने के बाद यहां पर क्या करेंगे, देखिए ये जो वैक्यूम कंप्लीट हुआ ना, ये इसके बाद हम इस गेज को हटा लेंगे। गेज को हटाने के बाद समझिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमने वैक्यूम कर लिया, ये जो सुई है वो माइनस 30 पर आके रुक गई, गेज का हैंडल अभी बंद है, ऑफ है। अगर इस समय आप गेज का हैंडल ऑन कर देते, खोल देते तो क्या होगा जानते हैं, इसके अंदर यहां से पाइप में से हवा खींच लेगा और सिस्टम में फिर से हवा चली जाएगी, वातावरण वाली हवा, जिसको अभी हमने अभी अभी 5% हवा निकाली ना, वो हवा चली जाएगी इसके अंदर। तो हमें गेज के हैंडल को अभी खोलना नहीं, करना क्या है, वर्कशॉप कंप्रेसर के सक्शन लाइन से चार्जिंग पाइप को खोल करके और रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में जोड़ देना है। रेफ्रिजरेंट सिलेंडर का मतलब समझते हैं ना, जो गैस हमें चार्ज करना है उस सिलेंडर में जोड़ देना है। आप समझिए ये हमारी हो गई चौथी प्रक्रिया। चौथी प्रक्रिया हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी गैस चार्ज करना। गैस चार्ज करना मतलब गैस भरना, चार्ज करने का मतलब समझिएगा गैस भरना होता है, न्यूट्रल फेज देके चार्ज करना नहीं होता है, गैस भरना होता है। इसको हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर ये हमारा सिलेंडर है, जिस सिलेंडर में हमारी फ्रियान गैस होगी यानी जो हमारे ठंडा करने वाली गैस होगी, फ्रियान या R134 जो हमारी गैस होती है जो फ्रिज में ठंडा करने के लिए प्रयोग की जाती है, वो गैस इसमें होगी। और उसके बाद इसमें देखिए लगा क्या होता है, सिलेंडर वाल्व लगा होता है। सिलेंडर वाल्व क्या होता है, जिस वाल्व को हम ढीला और टाइट करेंगे जिसकी वजह से गैस निकलेगा ना, इसमें ऐसे वाल्व बना होता है ना, इसको हम ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो यहां से गैस ढीला और कम होगी तो निकलेगी। अब देखिए ये जो सिलेंडर हमने बनाया, इसका चित्र कुछ उल्टा करके बनाया, और उल्टा होने का कारण समझिए क्या है कि जब हम इसको उल्टा करते हैं तो क्या होता है ना, इसके अंदर जो बढ़िया गैस होती है वो नीचे आ जाती है, जो वातावरण की हवा नमी वगैरह इसमें मिली होती है ना वो ऊपर चली जाती है, जिसके कारण जब हम यहां से हैंडल को वाल्व को ढीला करेंगे खोलेंगे ना, तो पहले हमारी बढ़िया वाली गैस निकल के जाएगी और जो खराब गैस है वो ऊपर पड़ी रहेगी। तो हमें करना क्या है यहां पे समझिए कि हमें करना ये है ना कि कंप्रेसर, ये जो हमारा गेज का हैंडल है ना, बस इस गेज में ये हमारी पाइप को जोड़ देना है। कौन सी पाइप है, इसको हमने वैक्यूम करने के लिए सक्शन लाइन में जोड़ा था, वो सक्शन लाइन से खोल करके इस गेज में जोड़ देना है और अब गैस चार्ज करेंगे। गैस चार्ज कैसे करते हैं वो समझाते हैं। अब देखिए गैस चार्ज करने के लिए सबसे पहले हम आपको बताएं कि अब तक हमने वैक्यूम कर लिया, पूरे सिस्टम के अंदर की नमी को तो हमने बाहर निकाल लिया, सुई जो -30 पे रुकी हुई है, लेकिन ये जो पाइप है ना, इतनी दूर यहां से 1 मीटर लंबी पाइप, ये जो चार्जिंग पाइप है, इसके अंदर तो बाहर की नमी मौजूद है ना, इसके अंदर तो बाहर की हवा चली गई ना, इसका तो वैक्यूम नहीं हुआ, वैक्यूम तो इस गेज तक हुआ ना, तो इसकी भी नमी को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए देखिए बिल्कुल ही आसान तरीका है, क्या करेंगे, गेज को इसमें जब हम पाइप को लगा देंगे ना, उसके बाद सबसे पहले ये जो हमारा सिलेंडर वाल्व है, इस वाल्व को हम 1 या 2 सेकंड के लिए ऐसे खोलेंगे फिर बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी गैस है, जो हमारी R134 गैस है, फ्रियान गैस है, वो निकल के जाएगी और आगे गई रहेगी, और उसके बाद क्या होगा कि आगे हवा को दबाव बना के आगे दबाई रहेगी। इसके बाद जब आगे ये दबाई रहेगी तो हम क्या करेंगे, जब ये आगे दबाई रहेगी तो हम इसके क्या करेंगे कि यहां से इसके नट को थोड़ा सा ढीला करेंगे, और जब नट को थोड़ा सा ढीला करेंगे ना, तो पहले तो हवा उड़ेगी, और हवा के उड़ने के बाद इसके अंदर से हमारी फ्रियान गैस भी निकलने लगेगी। जब हमें लगे कि हमारी फ्रियान गैस निकल रही है, नट को टाइट कर देंगे। अब समझिए इसके अंदर का भी वैक्यूम हो चुका ना, कंप्लीट हो चुका। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हमारा जो फ्रिज है, फ्रिज के कंप्रेसर मोटर को ऑन करेंगे यानी कि चालू करेंगे। जब फ्रिज के कंप्रेसर मोटर को चालू करेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गेज के हैंडल को भी चालू कर देंगे। जब मोटर चालू हो गया तो गेज का हैंडल भी चालू कर देंगे, ये भी ऑन हो गया। उसके बाद देखिए जो पाइप की गैस रहेगी वो तो चली जाएगी तुरंत। उसके बाद हम क्या करेंगे, गेज के हैंडल को 1 या 2 सेकंड के लिए खोलेंगे और फिर बंद कर देंगे। गेज के हैंडल को 1 या 2 सेकंड के लिए खोलेंगे और फिर बंद कर देंगे। जब 1-2 सेकंड के लिए खोलेंगे ना, तो इसमें से जो गैस हमारी R134 या फ्रियान वो निकल करके जाएगी पाइप के माध्यम से और सिस्टम में जाकर के गैस चार्ज हो जाएगी।
गैस भराने लगेगी, पूरे सिस्टम में प्रेशर खींच लेगा। फिर इसको थोड़ी देर, 2 मिनट 3 मिनट रुकने के बाद फिर से 1 या 2 सेकंड के लिए खोलेंगे और बंद कर देंगे। ये क्रिया 3 से 4 बार करेंगे, उतने में देखेंगे ना कि कंडेंसर की पाइप गर्म होने लगेगी और एवापोरेटर पे हल्की हल्की आइस दिखाई देने लगेगी, बर्फ दिखाई देने लगेगी, नमी दिखाई देने लगेगी, तो हम समझ लेंगे कि अब फ्रिज में गैस चार्ज हो चुकी है। तो जब एवापोरेटर ठंडा करने लगे और कंडेंसर गर्म होने लगे तो समझिए कि फ्रिज में गैस चार्ज हो चुकी है। और जब फ्रिज में गैस चार्ज हो जाती है, गैस भर जाती है, फ्रिज ठंडा करने लगती है, उसके बाद हम अपनी अगली प्रक्रिया अपनाते हैं जिसका नाम होता है पिंच करना। ये लास्ट की प्रक्रिया होती है हमारी। पिंच करने का मतलब क्या होता है, देखिए जब इसमें गैस चार्ज हो जाए ना, तो उससे पहले हम यहाँ पे जो हमारा सर्विस वाल्व लगा है इसको हम ऑफ कर देते हैं, इसको हम ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और बंद करने के बात क्या करते हैं, पिचिंग प्लायर के माध्यम से पाइप को 3 जगह से पिंच कर देते हैं। पिचिंग प्लायर से इस प्रकार से 3 जगह से दबाएंगे, पाइप पूरी तरह से पिंच हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, जिससे गैस भी आगे नहीं जा पाएगी। और बाद में पाइप को यहां से काट करके और इसको पूरी तरह से वेल्डिंग करके बढ़िया तरीके से जोड़ देंगे ताकि लीकेज होने का संभावना बिल्कुल भी ना हो। और यहां से हमने गैस चार्ज कंप्लीट कर लिया, सर्विस वाल्व को बाहर निकाल लिया, बस ये हमारा फ्रिज में गैस चार्ज करने की ये 5 प्रक्रियाएं थी। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करिएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।